अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट एंड आपका टीचर नूर हसन, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FH एजुकेशन। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपने फॉर्मेटिंग टूल्स पार्स को स्टडी किया था और उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो आज हम उन्हीं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे स्ट्राइक थ्रू क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, इसके अलावा हमने टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे देना है, लाइन्स वगैरह को आपने इंडेंट कैसे करना है, अलाइनमेंट आपने पैराग्राफ की कैसे करनी है, और स्पेसिंग आपने कैसे ऐड करनी है लाइन एंड पैराग्राफ के दरमियान, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आज जो हमारी लेट लेक्चर आया, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ या मेरे एग्जाम भी चले तो आज माइंड अप हुआ सब कुछ, तो इंशाल्लाह हम रूटीन के साथ करेंगे। तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू FH एजुकेशन स्टूडेंट्स। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। FH एजुकेशन जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम पहले लिख लेते हैं, ठीक हो गया, एंड इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एंड फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हमने सिंपल कलर करना या ग्रेडियंट्स वगैरह देना तो हमने सीख लिया था। आज हम इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये आपके टेक्स्ट को आप यूँ भी कह सकते हैं कि डेकोरेट करने के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको बने बनाए इफ़ेक्ट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करने से पहले आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको कोई भी अगर आप इफेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे, अपनी मर्ज़ी से भी, खुद से भी जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला टेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कलर मैं इसका आउटलाइन रेड, एंड शेडो मैं इसे दे देता हूँ थोड़ा सा। देखा ना, इसको शेडो मिल गया। उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन अगर लगानी है कोई तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि इमेज का कोई एक्स वगैरह हो तो ऐसे आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद ग्लो है, तो यहाँ से आप इसको ग्लो भी दे सकते हैं। कोई भी ग्लो आप देना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसके ऑप्शंस यानी कि ओपेसिटी, साइज़, ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि मध्यम हो जाती है, ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, कोई भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फ्री हैंड होके, ठीक हो गया। तो बस यही मेन चीज़ें हैं, तो आपने इन्हीं को टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करना है। और ये आपको कुछ बने बनाए उन्होंने दिए हुए हैं फॉर्मेट्स, तो जो मर्ज़ी आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ ऑप्शन है वो है कि आप स्क्वायर रूट कैसे लगा, सॉरी स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे एजुकेशन लिख लेता हूँ और मैं इसके ऊपर कुछ और लिख लेता हूँ। तो अगर आपने इसके ऊपर कोई पावर वगैरह लगानी हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इसकी शॉर्टकट की है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें इसकी ये जो है पावर है वो आ गई है। अगर आप इसके नीचे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स टू है, यहाँ पे देखें इसकी कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट की है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देखें यहाँ पे इसकी नीचे वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पावर देनी है या वैल्यू कैसे हमने ऐड करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है पहले, यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ये ए बी सी ऊपर लाइन लगी है, स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं, तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया ना। तो ये एक बेसिक सी हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं कि कैसे कोई टेक्स्ट आपने अप्लाई करना है या उसे कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं।
नेक्स्ट अब हम पैराग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं जस्ट आपको पैराग्राफ को अलाइन करना ही बताऊंगा, बाकी जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह है वो थोड़ा सा जो टॉपिक है वो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें हम जस्ट अलाइनमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई रैंडमली पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि रैंड एंड इक्वल रैंड लगाना है और जितने आपने ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं 5 कर लेता हूँ, एंटर किया तो ये हमारे पास आ गया। जब आप पहले कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट टाइम टेक्स्ट एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जो इसकी सेटिंग होगी वो लेफ्ट लाइन होगी, जिसे कंट्रोल एल के साथ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेफ्ट लाइन है, सारे जो लाइंस हैं वो ऊपर नीचे हैं, यानी कि ये देखें कोई आगे पीछे को है, कोई आगे को है, तो इस तरह से। इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो कंट्रोल सी भी इसकी की है आई थिंक, हाँ कंट्रोल ई सॉरी, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने राइट करना है तो इसकी कंट्रोल की आएगी कंट्रोल आर, तो आपने यहाँ पे ये प्रेस कर देना है। इसकी देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी आ जाएगी, ठीक होगा ना। उसके बाद जस्टिफाई अगर आपने टेक्स्ट को करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, यानी कि यहाँ देखें मैं कुछ भी यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा मज़ीद, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि मैं जस्टिफाई क्या होता है। ठीक है, इतना मैंने कर लिया, थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। सॉरी, ओके। अब यहाँ पे इसको ये देखें कोई लाइन आगे को है कोई पीछे को, तो इस तरह से इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए आपने इसे जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा कि सारी लाइंस इक्वल आएंगी, तो यहाँ पे देखें ये लाइंस जो हैं वो इक्वल हो गई हैं। यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट और लिखते हैं तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जस्टिफाई की थोड़ी सी 2-3 और ऑप्शंस हैं, वो भी इसी तरह से हैं, तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना। जस्टिफाई लो करना है तो वो देखें लो हो गया। उसके बाद जस्टिफाई मीडियम करना है, इसके अंदर स्पेस आ जाएगी ये देखें, तो अगर आपने हाई करना है तो उसके अंदर मज़ीद स्पेस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये एक जस्टिफाई का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस का मतलब होता है कि आपने दो लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस रखनी है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 2 रख लेता हूँ, ये देखें इसके अंदर स्पेस आ गई है। अगर आप स्पेस रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ यानी कि पैराग्राफ के बाद जो स्पेस होगी वो वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाली कर लें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये स्पेस वगैरह ऐड करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट को इंडेंट करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को इंडेंट करना है यानी कि आगे की तरफ मूव करना है, तो आपने यहाँ से क्लिक करना है इंक्रीज इंडेंट, ये देखें आगे की तरफ हो जाएगा, यानी कि एक ही टाइम में मल्टीपल स्पेसेस आएंगी। अगर आपने बैक करना है तो बैक इंडेंट यहाँ पर डिक्रीज कर दें, यहाँ पर आप इसे पीछे को ले आए, ठीक हो गया। तो ये एक टेक्स्ट को इंडेंट करने का तरीका है, ठीक हो गया। सो यहीं तक आज हम अपना कवर करेंगे, टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, मज़ीद आगे नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी जो बताया मैंने। इन चीज़ों को आपने अच्छे से कवर करना है, इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ ना समझ आए वो मुझे आप पूछ लें। ओके सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पैराग्राफ टूल्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया। तो अगर आपको इन टूल्स में से किसी चीज़ की नहीं समझ आई या आप मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो वो भी आप कर लें, और जिससे नहीं हो रहा मैंने कमेंट सेक्शन के सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैंने दे दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ से ज्वाइन करें, तो मैं आपको वहाँ से सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा दूँगा। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।